हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। यहां पर देख सकते हैं ये जो एम्प्लॉई है और इसकी सैलरी है, तो ये तो 8-10 एम्प्लॉयज का नाम है। आपके पास बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है, तो वहां पर फिल्टर लगाना हो तो आप जनरली करते क्या है, यहां पर इसी पर जो हेडिंग है उस पर सेलेक्ट रखिए और यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ से फिल्टर लगा लीजिए। अब फायदा क्या है इसका, यहाँ पे जाएंगे आपको जिसको भी फिल्टर करना है यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। इनको हटा दीजिए, बाकी सारे नेम हमें चाहिए तो वही नेम दिखेंगे। जिनको आपने हटाया होगा वो नाम नहीं दिखेगा, बाकी सारे नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये तरीका है फिल्टर लगाने का, लेकिन हमको ऐसे फिल्टर लगाना नहीं है, ठीक है। फिल्टर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो फिल्टर कैसे करेंगे, तो हम कंडीशन के बेस पे फिल्टर करना चाहते हैं। कैसे ये संभव होगा, गूगल शीट में आपको एक बना बनाया फॉर्मूला मिल जाता है फिल्टर का। तो यहाँ पे फिल्टर लगाइए और ब्रैकेट को कर लीजिए ओपन, और ये पूरा डेटा आपको केवल रो नहीं सेलेक्ट करना, ऊपर वाली हेडिंग नहीं सेलेक्ट करनी, बस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, कॉमा दीजिए। और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस डेटा को जो कि सैलरी वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे करना है ग्रेटर देन 10,000। तो जिनकी भी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है उन्हीं का पूरा हिसाब किताब हमें चाहिए, डिटेल चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कॉमा नहीं लगाइएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अब आपके पास कोई बड़ा डेटा भी हो सकता है, वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो मैंने एक कंडीशन लगाया, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे फिल्टर लगाइए कुछ इस तरीके से, और फिल्टर लगाने के बाद इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कीजिए, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए और फिर ये डेटा कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है। और इस बार मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ लेस देन 10,000। तो ये लेस देन 10,000 किया मैंने, तो अभी लेस देन 10,000 जो भी हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ये देखिए लेस देन 10,000, तो एक ही आदमी है, रीता है, और वो कहाँ है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये रीता की सैलरी है और 7,000 ये पा रही है, बाकी सब 10,000 या 10,000 से ऊपर ही है। तो कुछ इस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है फॉर्मूला। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि इसका यूज़ आपको कैसे कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।